परसों हमारी बाइक हो गई थी थोड़ी क्रैश, तगड़ी वाली बर्फ पड़ी है। यहाँ तो फिलहाल पिथौरागढ़ की पहली NSA जो जिसमें ऐसे कन्वर्जन किट लग रहा है। ये देखो गाइस नई लुक। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। ये है अपनी NS200 और आज इसमें इंस्टॉल होने वाला है हैंडल कन्वर्जन किट। तो गाइज, हैंडल चेंज करने का मेन रीज़न ये है कि परसों हमारी बाइक हो गई थी थोड़ी क्रैश, और ये देख सकते हो कि यहाँ से ये वाइज़र में एक क्रैक आया है और ये मडगार्ड, यहाँ से मडगार्ड टूट गया और ये क्रैश गार्ड ऐसे पूरे दब गए हैं पीछे को। इनको भी आज सीधे कराएंगे और हल्के स्क्रैचेस लग गए ये। तो गाइस, इसका हैंडल भी टेढ़ा रखा है और ये है मेन रीज़न कि इसका हैंडल बार चेंज होना है। ये देख सकते हो आप, ये ऐसी स्टार्ट हो जाती है। ये देखो। तो गाइज, अभी चल रहे हैं हम बेरीनाग और वहीं इंस्टॉल कराएंगे इसका हैंडल बार, और मिलते हैं आपको मोटो व्लॉग में। तो गाइज, अभी हम निकल गए हैं अपने घर से और अभी जा रहे हैं हम बेरीनाग इसका हैंडल बार इंस्टॉल कराने के लिए। और अभी देख सकते हो आप अभी कैसी लुक आ रही है, और आज ये वाले हैंडल का लास्ट डे है। यहाँ तो फिलहाल पिथौरागढ़ की पहली NSA जो जिसमें ऐसे कन्वर्जन किट लग रहा है प्रॉपर, और बहुत से लोग जो हैं कि यहाँ पे छेद करा के एक टी में छेद करके यहाँ पे लगा लेते हैं हैंडल बार को, बट वो उतना सक्सेस नहीं होता है उसमें। मैंने बहुत सुना है कि वाइब्रेशन आ जाती है और कभी ऐसे प्रॉपर मैकेनिक ना मिलने पर वो थोड़ा टेढ़ा जैसा फिट कर देते हैं, और उससे बहुत दिक्कत आती है बाद में। और जो ये कन्वर्जन किट है इसमें इसका सीन बहुत शॉर्ट है, ये इजी टू इंस्टॉल है। और गाइस, अगर आप भी इसे अगर मंगाना चाहते हो तो मंगा सकते हो MotoDC से। MotoDC इंस्टाग्राम में आपको मिल जाएगा उनका अकाउंट MotoDC करके, वहीं से मंगा सकते हो आप ये हैंडल बार। और आज मौसम भी काफ़ी क्लियर है। तो गाइस, यहाँ से दिख रहे हैं अभी हिमालय और बहुत तगड़ी बर्फ पड़ी है। ये देखो गाइस, यहीं पे वाले पहाड़ में एकदम तगड़ी वाली बर्फ पड़ी है। आप देख सकते हो यहाँ से ये सामने ये पहाड़ कितनी तगड़ी बर्फ पड़ी है। और गाइस, सीन कुछ ऐसा है कि हमारे बेरीनाग में ऐसे हैंडल वैंडल फिट करने वाले कोई तगड़े मैकेनिक नहीं है इधर, जो कुछ ऐसे जुगाड़बाजी वाला काम कर सके। जुगाड़बाजी क्या, वो यही हैंडल मेरे ख्याल से वो यही हैंडल फिट नहीं कर पाएंगे। दिक्कत ये है अब, बट रिस्क में मैं करवाने जा रहा हूँ काम, भरोसा तो बिल्कुल नहीं है। यहाँ एक तगड़ी से एक मॉडिफिकेशन वाली एक शॉप की ज़रूरत है। एक बंदे से मैंने बात तो की है, वो बोल रहा था हम कर देंगे ये काम। दिक्कत तो है नहीं, इजी फिट है, बस यहाँ पे एक ये फिट करने के लिए एक होल करना पड़ता है, वो होल में ही है दिक्कत। अगर वो होल थोड़ा नीचे ऊपर कर दिया तो फिर उसके बाद ये थोड़ा टेढ़ा लग जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो उनसे अच्छे से प्रॉपरली प्रोफेशनल वाला काम करवाना है, तो खुद ही बताना पड़ेगा उनको कैसे क्या करना है करके। अगर ऐसे में सिंगल सिंगल अगर सामान लेता हूँ तो सेम कॉस्ट पड़ रही थी मेरे को, 800 का मेरे को पड़ रहा था हैंडल बार होल्डर, और 1100 का पड़ रहा था मेरे को KTM ड्यूक 250 का हैंडल बार, और 600 के पड़ रहे थे मेरे को हैंडल बार राइजर, और फिर उसके बाद फिटिंग कराने के 200-300 रुपये अलग से, और अपनी बाइक में छेद भी करवाना हुआ। गाइज, ये बहुत हर्ट करता है ये छेद छूद वाले काम। पहुंच गए हम मेन रोड में और यहाँ से बेरीनाग आ गए बस 1 किलोमीटर,
और जल्दी से जाते हैं और हैंडल बार फिटिंग करवाने के लिए पूछते हैं। गाइस हम पहुंच गए हैं बेरीनाग, ये स्टार्ट हो जाती है यहाँ से बेरीनाग की मार्केट और यहीं पे है बस हमको काम। तो गाइस अभी हम पहुंच गए हैं। तो गाइस ये खुद रही अपनी एनएस और भाई ये भी खोल रहा है इस साइड का हैंडल और ये भी इसको पूरा खोल के दिखाते हैं हम आपको। तो गाइस जो मैं ये हैंडल होल्डर के जो ऊपर के वोल्ट बोल रहा था, मैं जो इसके साथ नहीं मिले हैं वो हमारी जो पुराना हैंडल है उसके ही वोल्ट लग जाएंगे इसमें। ये देख सकते हो ये है हमारे पुराने हैंडल बार के वोल्ट और ये इसमें इजीली फिट हो जा रहे हैं, तो हम इनको ही फिट करेंगे, नए वोल्ट की ज़रूरत नहीं है। और इससे ये भी होगा कि हमारे जो ओरिजिनल वोल्ट हैं वो खोएंगे भी नहीं कहीं। तो गाइस ये इंस्टॉल हो गया हमारा हैंडल और यहाँ पे अब इसकी फिटिंग कर रहे हैं, जो ये जो स्विचेस होते हैं उनकी फिटिंग हो रही है अभी। तो गाइज़ हमने लगवा लिया है हैंडल बार और इसकी प्राइस हमको टोटल पड़ गई 2500 का हैंडल हो गया और 200 रुपये इसकी फिटिंग चार्जेस पड़ी हमको, और वो अलग अलग स्टेट के हिसाब से अलग अलग मैकेनिकों के हिसाब से अलग अलग चार्ज होते हैं। और ये है इसके एनएस की हमारी फाइनल लुक, देख सकते हो आप कैसी लग रही है। हैंडल अब काफ़ी ब्रॉड हो गया। तो गाइस आप देख सकते हो कि हमने लगवा लिया है नया हैंडल बार। और थोड़ी सी फील लेके चेक करते हैं इसको कैसा है चलाने में। और अब थोड़ा पहले से ये ब्रॉड हैंडल हो गया तो थोड़ा ध्यान से चलाना पड़ेगा, जैसे पहले से छोटी सी जगह में से भी निकल जाती थी तो अब वो ऐसा कुछ नहीं हो सकता। आगे को चल के देख लेते हैं क्या है सीन, कैसा लग रहा है करके। चलाने में तो अब बहुत अच्छी हो रही है पहले से, और जो इसकी लुक है, जो राइडिंग पोस्चर है, वो काफ़ी अच्छा हो गया। और ज़्यादा बाकी डिटेल में राइड रिव्यू में आपको एक दो हफ्ते चला के एकदम अच्छे से फिर बताऊंगा मैं आपको कैसा लगता है इसको लगा के और आपको लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, ये सब मैं आपको बताऊंगा थोड़े टाइम बाद। और अभी तो बेरीनाग में ही घूम रहे हम ऐसे ही। ये देखो गाइस नई लुक, तगड़ा ही लग रहा है, देखने में तो बहुत ख़तरनाक लग रहा है ये और चलाने में भी अच्छा लग रहा है। नीचे तक जाएंगे फिर एकदम स्ट्रेच करते हुए आएंगे ऊपर को। फाइनली आज बहुत टाइम से सोच रहा था मैं, पिछले साल से सोच रहा था, और सबको यही लगता है कि इंस्टाग्राम से कुछ चीज़ मंगाने में फ्रॉड हो जाएगा या कुछ हो जाएगा, बट हर बार ऐसा नहीं होता कि फ्रॉड हो जाए। वैसे तो होते ही हैं फ्रॉड, बहुत रेयर चांस है कि आपको ये प्रोडक्ट मिल जाए जो आप ऐसे कहीं इंस्टा से, और वो भी पेमेंट करके, जैसे कि हमने भी 500 रुपीज़ पेमेंट कर दी थी पहले जब ये हैंडल बार हमको हमारे पोस्ट ऑफिस में पहुँचा, फिर उसके बाद हमने उधर दिए 2000 रुपीज़।
भरोसा नहीं रहता और मेरे को भी नहीं था। चलो मैंने सोचा एक बार ट्राई तो कर लेते हैं मंगा के, और मोटो डीसी तमिलनाडु से मंगाया मैंने, और मोटो डीसी वाले एकदम जैनवन बंदे हैं, वो भेज देते हैं, जो बोलते हैं वो कर देंगे वो उन्होंने बोला KTM हैंडल कन्वर्जन किट मिल जाएगी, तो मिल गई गाइज। और यहाँ से कितना दूर है आप एक बार गूगल मैप्स में चेक कर लेना कि तमिलनाडु कितना दूर है यहाँ से। और मोटो डीसी वालों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और इंस्टाग्राम पे आप सर्च भी कर सकते हो कि मोटो डीसी करके। थोड़ी क्लच की वायर खिंच रही है और इसकी वजह से थोड़ा सा लैग फील हो रहा है मेरे को। इस क्लच की वायर को बाहर से निकलवाता हूँ मैं भी। भगाने में क्या ही मजा आ रहा है गाइस, अब हैंडल बार लगवा के एकदम कॉन्फिडेंस एकदम हाई हो गया। और यहाँ से देख सकते हो आप पहाड़, हम हैं उत्तराखंड में, यही है हमारी पहचान। ये देख सकते हो आगे आपको पहाड़ दिख रहे होंगे एकदम तगड़े वाले, और उनमें पड़ी है बर्फ, क्या ही अच्छे लग रहे हैं। तो गाइज हैंडल हमने लगवा लिया है और कैसा लग रहा है आप देख ही सकते हो। तो गाइज शाम भी हो गई और इस वीडियो को आज यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा इसमें एक राइड रिव्यू की, ये कैसा है क्या है उसमें सब बताया जाएगा उस वीडियो में। तो आई होप कि गाइज आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना मेरे यूट्यूब चैनल को। मिलते हैं कोई ऐसी अच्छी सी वीडियो में। ओके बाय।